Hello guys, I hope you all are doing well. Once again, welcome back to my channel Shri Hari Associates. I am your friend Jerry Mehta और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 3BHK Builder Floor Lift Plus Parking की ऑनलाइन साइट विजिट करने in Rohini Sector 7. और गाइस अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए। गाइस अगर मैं रोहिणी सेक्टर 7 की बात करूं तो यहां से मेट्रो स्टेशन सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर्स की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। और अगर मैं M2K मार्केट की बात करूं तो M2K मार्केट अगेन 200 मीटर्स वॉकिंग डिस्टेंस पर है। और शॉपर स्टॉप और एवरी पब्लिक फैसिलिटी इज वेरी इजीली अवेलेबल। सो सेक्टर 7 इज वन ऑफ द गुड लोकेशंस। आइए दोस्तों फ्लोर विजिट शुरू करते हैं। गाइस ये हम लोगों की लिफ्ट है और अगर हम बात करूं स्टेयरकेस एंट्रेंस की तो दिस इज आवर स्टेयरकेस एंट्रेंस। आइए दोस्तों अब हम चलते हैं फ्लोर की तरफ। गाइस दिस इज आवर लिविंग रूम जहां पर मेरे बैक साइड पे ये वॉलपेपर वॉल है, बहुत ही सुंदर पिंक और गोल्डन कलर के बहुत ही सुंदर वॉल को तैयार किया गया है। दिस इज वॉलपेपर और उसके साथ में ये हम लोग स्ट्रेटेजिक फिटिंग है। आप फॉल सीलिंग का डिजाइन चेक करिए, फॉल सीलिंग के डिजाइन के अंदर जो फोक लाइट है वो लिविंग रूम को बहुत ही ब्यूटीफुल बना रही है। गाइस तो गाइस यहां पर हम लोगों का 7 सीटर एल टाइप सोफा आएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एलसीडी पैनल की तो गाइस दिस इज आवर एलसीडी पैनल जहां पर मरून और वाइट कलर का पीयू पॉलिश इस्तेमाल किया गया है। तो गाइस दैट इज अगेन मेकिंग द लिविंग रूम वेरी अट्रैक्टिव। और अगर मैं गाइस इस लिविंग रूम के डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन इज अप्रोक्सीमेटली 15x11 15x11 का ये लिविंग रूम है। यहां पर फ्लोर प्लान की बात करूं दिस इज आवर किचन, दिस इज आवर फर्स्ट रूम विद अटैच्ड बालकनी, दिस इज आवर कॉमन वॉशरूम, ये हम लोगों का सेकेंड रूम है, ये हम लोगों का थर्ड रूम और इसके साथ अटैच्ड वॉशरूम है। आइए दोस्तों पहले अब हम चलते हैं किचन की तरफ। हम आ चुके हैं किचन एरिया की तरफ। दिस इज आवर किचन एरिया। अगर मैं किचन एरिया के डायमेंशन की बात करूं तो 8x6 का ये किचन है जहां पर दिस इज आवर सिंक एरिया और यहां पर हमारा गैस स्टोव आएगा, यहां पर हमारा एग्जॉस्ट फैन आएगा, दिस इज द विंडो फॉर वेंटिलेशन। ये हम लोगों के वाइट सरमाइकास बहुत ही सुंदर बना रहे हैं किचन को। ये हम लोगों की शेल्स है गाइस, अगेन शेल्स आर अगेन हाइड्रोलिक शेल्स। ये हम लोगों की बास्केट्स है जिसमें अगेन ब्राउन कलर सरमाइका का यूज किया गया है और बास्केट जो है वो टोटली स्टेनलेस स्टील मटेरियल के अंदर बनाई। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। गाइस दिस इज आवर फर्स्ट बेडरूम। गाइस अगर इस बेडरूम के डायमेंशन की बात करूं तो बेडरूम इज अप्रोक्सीमेटली 10x10 10x10 का ये बेडरूम है जहां पर यहां पर हम लोगों का विंडो एसी आएगा, ये हमारी वेंटिलेशन फॉर विंडो है और यहां पर हम लोगों का एलसीडी पैनल ऑन द वॉल आएगा और इस रूम के साथ अटैच बालकनी भी है। तो आइए दोस्तों बालकनी की तरफ चलते हैं। दिस इज आवर बालकनी। अगर बालकनी के डायमेंशन की बात करूं तो अगेन 8x4 की बालकनी है, 8x4 की बहुत स्पेशियस बालकनी है। यहां पर ये हम लोग वॉशिंग एरिया है और ये हम लोग बालकनी है। और एलिवेशन टाइल्स देखिए गाइस, एलिवेशन टाइल्स व्हाइट कलर के अंदर बहुत ही सुंदर लग रही है। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं सेकेंड बेडरूम की तरफ। इस्तेमाल किया गया है और इसके नीचे एक फ्लोर दी गई है सिमिलरली अदर साइड का। और अगर मैं इस रूम में बात करूं एलसीडी पैनल की तो गाइस दिस इज आवर एलसीडी पैनल, अगेन अल्मीरा पीयू पॉलिश एंड एलसीडी पैनल की पीयू पॉलिश के अंदर बहुत ही अमेजिंग कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है जो अगेन रूम को बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। और इस रूम के साथ एक खास बात और है गाइस, वी आर गेटिंग द अटैच वॉशरूम एज वेल। तो आइए दोस्तों वॉशरूम में चलते हैं। गाइस दिस इज आवर वॉशरूम। अगर मैं वॉशरूम के डायमेंशन की बात करूं तो 8x4 का एक वॉशरूम है, 8x4 का ये वॉशरूम है जहां पर ये हम लोगों का वॉश बेसिन एरिया है, ये हम लोगों की पार्किंग एरिया, दिस इज आवर शार एंड दिस इज आवर सीट एरिया, यहां पर हम लोगों का गीजर आएगा और अगेन एग्जॉस्ट फैन फॉर वेंटिलेशन, एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस भी दिया गया है। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं थर्ड बेडरूम की। गाइस दिस इज आवर थर्ड बेडरूम।
अगर मैं थर्ड बेडरूम के डायमेंशन की बात करूं तो अगेन दिस इज 10 बाय 10 10 बाय 10 का ये बेडरूम है गाइस, जहां पर ये हम लोगों की बहुत ही सुंदर डिजाइन, बहुत ही सुंदर सनलाइट का इस्तेमाल करके ब्लैक एंड व्हाइट कलर का स्टाइलिंग जो अलग दी गई है। गाइस दिस इज आवर वॉलपेपर वॉल, ये हम लोगों की शाफ्ट है गाइस, और दिस इज अगेन आवर एलसीडी पैनल। एलसीडी पैनल का कलर कॉम्बिनेशन अगेन सेकंड बेडरूम की तरफ तरह ही दिया गया है, और ये हम लोगों की गाइस स्प्लिट एसी की फिटिंग है। और गाइस हर रूम के अंदर इन एवरी रूम कोव लाइट्स भी दी गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं कोव लाइट्स वॉल सीलिंग को बहुत ही सुंदर बना रहा है। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं कॉमन वॉशरूम की तरफ। दिस इज आवर कॉमन वॉशरूम। अगर मैं कॉमन वॉशरूम के डायमेंशन की बात करूं गाइस, तो डायमेंशन इज 6x6, 6x6 का ये कॉमन वॉशरूम है। यहाँ पर टाइल्स का कॉम्बिनेशन देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। ये हम लोगों की बाथिंग एरिया है, हिंडवेयर की फिटिंग्स का यूज किया गया है। अगेन दिस इज आवर सीट एरिया एंड दिस इज आवर वॉश बेसिन। वॉश बेसिन के नीचे गाइस शेल्फ भी दी गई है। तो गाइस ये हम लोगों का 3BHK बिल्डर फ्लोर लिफ्ट प्लस पार्किंग इन रोहिणी सेक्टर 7 है, जो कि 32 मीटर जोड़ा 32 स्क्वायर मीटर में बनाया गया। अगर हम इस फ्लोर के प्राइस की बात करें, प्राइस इज रियली वेरी नॉमिनल गाइस। 3BHK लिफ्ट प्लस पार्किंग 4 स्टोरी बिल्डिंग है गाइस, 4 स्टोरी बिल्डिंग विद स्टिल्ट पार्किंग, और 2 फ्लोर्स आर ऑलरेडी सोल्ड आउट गाइस। बिल्डिंग के अंदर सिर्फ 2 फ्लोर बचे हैं, और इस वीडियो को देखते-देखते गाइस वो 2 फ्लोर भी बहुत ही जल्दी सेल आउट हो जाएंगे। अगर आपको ये फ्लोर अच्छा लगा तो गाइस जल्दी से बुक करिए, ऑनलाइन साइट विजिट करने के लिए मेरे को कॉन्टैक्ट करिए गाइस। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, सी यू सून। Once again, thanks for watching the video.